बालाघाट खैरलांजी किसान द्वारा खेत में बिछाए गए करंट की युवक की मौत, मामला ग्राम पंचायत कुमली का। 8 जून की सुबह खैरलांजी थाने के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुमली में एक किसान द्वारा अपने खेत में जानवरों से फसलों की सुरक्षा के उद्देश्य से लगाए गए जीआई तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से 21 वर्षीय डोंगरिया निवासी युवक महेंद्र पिता सुखदेव जाति ढीमर के दर्दनाक मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। मामले की विवेचना कर रहे एसआई प्रीत पांडे ने बताया कि खेत मालिक के खिलाफ मामला कायम किया जा रहा है। परिजनों के अनुसार मृतक 8 जून को एक दिन पूर्व से गुम हो गई। अपने भैंस की तलाश में सुबह 5 बजे ही अपने दादा के साथ खेत की ओर निकल गया था। ये जो मृतक है कौन होता है आपका? नाती लगता है। तो कैसी घटना हुई? घटना हम भैंसी देखने आए थे। पहले वो तालाब देखे, पानी होगी बैठी करके, वहाँ नहीं मिली भैंसी तो हम गए वो नहर नहर सरे पर गए। एक जन को पूछे वहाँ तो बोले भैंसी इधर आई नहीं। तो फिर वापस हुई रिटर्न हम तो वहाँ तमव खाए थोड़ी देर वहाँ बैठ के। तो मेरे को उसने बोला कि बाबा बोले भैंसी बैठी होगी तनिष्क के पैरे के पास, तो ऐसा तू निकल, मैं ऐसा रोड से निकलता हूँ। तो मैं पैरे के पास आया और माए उसने बोला तो मैं उतने में दबाता क्या हुआ करके मैं यहाँ से देखा तो बुरा था। अच्छा, किसका खेत है ये? ये खेत पता नहीं किसका है। तो ये जो कैसे हुई है घटना? करंट लगा है। उसका दादा कुछ दूरी पर पीछे चल रहा था, तभी उक्त युवक खेत में मेड़ पर बिछाए गए विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सर क्या घटना हुई? घटना का क्रम ये है कि महेंद्र सहारे पिता सुखदेव जाट धीमर उम्र 24 वर्ष निवासी डोंगरिया का, ये छत्ता लेकर के शांताबाई के खेत में गया हुआ था, जो बिजली का तार लगने से और करंट लगने से इसकी मौत हो गई है। सर बिजली का तार कौन सा तार है ये? ये जीआई का तार है। किसका खेत है ये? ये शांताबाई का खेत है। शांताबाई पति? पति का नाम है इसके हंसलाल रनगढ़े जाति लोधी उम्र 60 वर्ष। पुलिस के अनुसार खेत शांताबाई हंसालाल रनगिरे उम्र 60 वर्ष निवासी कुमली का बताया जा रहा है। इस दौरान यह बात गौर करने लायक रही कि विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी घटना स्थल पर 10 बजे तक नदारद रहे, जो कि जन चर्चा का विषय बना रहा। घटना स्थल के आसपास सहित उक्त मार्ग के दोनों ओर बहुत आयत में जमीन तक झूलते किसानों के विद्युत कनेक्शन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, जो किसी भी दिन फिर एक बड़ी घटना की राह तक रहे हैं। कहे तो अतिशयोक्ति नहीं कहा जाएगा। खैरलांजी से सुप्रीम पावर के लिए योगेश कावड़े के साथ दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट।